बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाएं पुलिस विभाग के लिए चुनौती बने हुए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही फिलहाल में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक का मकसद था अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कई टास्क भी दिए, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल ही विपरीत आया। अपराध के मामले में पूरे बिहार में इस पर नियंत्रण तो हो नहीं सका, लेकिन आए दिन जुर्म की घटनाएं और बढ़ गई। दरअसल बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में शुक्रवार की सुबह बेखौफ अपराधियों ने सनसनीखेज कांड को अंजाम दिया। अपराधियों ने रानीगंज के एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। जहां अपराधियों ने पहले सुबह सुबह उनके घर पर दरवाजा खटखटाया और आवाज देकर बाहर बुलाया। जैसे ही विमल घर का दरवाजा खोल बाहर निकले, बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रानीगंज थाना क्षेत्र बेलसरा के हीरो शोरूम के पीछे की है। इससे 2 साल पहले इनके सरपंच भाई की भी इसी तरह से बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उनके मर्डर केस में विमल मुख्य गवाह थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। विमल को बदमाशों ने कई बार गवाही देने से रोकने की कोशिश भी की थी। पत्रकार की गोली मारकर हत्या। अपराधियों की धमकी से भी विमल नहीं डरे और कोर्ट में चल रहे ट्रायल के दौरान इन्होंने अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी थी। उधर हत्या के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया। विमल कुमार यादव अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी और पत्नी को छोड़ गए हैं। जहां घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। घटना के संदर्भ में मृतक की पत्नी पूजा यादव ने बताया, सुबह में घर का दरवाजा पीटकर मेरे पति का नाम लेकर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। हम दोनों ही उठे और घर का दरवाजा खोलने निकले। इसके बाद गोली चलने की आवाज आई। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि वो गिरे पड़े हैं और उनके सीने से खून निकल रहा। भाई के हत्यारों पर वारदात का शक। इसके बाद पूजा ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया, फिर रानीगंज थाने को भी खबर की गई। खबर मिलते ही रानीगंज थानेदार कौशल कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को लेकर पहले रानीगंज रेफरल अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने विमल को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद भारी भीड़ को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया। गवाही देने से रोकने की हुई थी कोशिश। घटना को लेकर उसकी पत्नी पूजा देवी ने बताया कि 2 साल पहले उनके देवर गब्बू यादव की भी बदमाशों ने इसी तरह से हत्या कर दी थी। इस मामले में उनके पति विमल कुमार यादव मुख्य गवाह थे। केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, इसके लिए अपराधी लगातार उन पर गवाही न देने का दबाव बना रहे थे। इधर घटना के बाद भारी संख्या में जिले के पत्रकार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और तीखा आक्रोश जताया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। वही पत्रकार संघ ने असुरक्षा को लेकर आंदोलन करने की भी बात कही है। सीएम नीतीश का बयान। इसी बीच सीएम नीतीश का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकार की निर्मम हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। जांच जारी है, दोषी जल्द पकड़े जाएंगे।